आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन। ये बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ रेसिपी है, इसको हम अपने तरीके से बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कैबेज और कैरेट को चॉप कर लिया है, आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अगर हम इसको इसी तरह से मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मैदा या कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता है, जिससे मंचूरियन बॉल्स थोड़े हार्ड हो जाते हैं। सॉफ्ट बॉल्स बनाने के लिए इसका एक्स्ट्रा पानी पहले से ही निकाल दें। इसी तरह से कैबेज में से भी निकाल दें। मैंने इसमें थोड़ी सी कॉलीफ्लावर भी डाली है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। कैबेज में भी थोड़ा सा पानी होता है, वो भी आप निकाल दें। इस तरह से थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैंने एक ग्रीन चिल्ली को भी ग्राइंड किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैंने डाला है पिंच अजिनोमोटो। उसके बाद हम मैदा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जितना हमने मैदा डालना है उतना ही कॉर्नफ्लोर, आपका जितना भी मिक्सचर हो आप उसके अकॉर्डिंग इन दोनों चीज़ों को डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें ताकि आपके हाथ को ना चिपके। सॉफ्ट मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए मैंने डाला है दूध। मैंने इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, कलर के लिए देगी मिर्च। इन दोनों चीज़ों को मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बाइंड करके देखेंगे, अगर तो आराम से बॉल्स बन रही हैं तो आपका मिक्सचर रेडी है। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको फ्राई करें, फिर बहुत अच्छी फ्राई होंगी। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको करें, अदरवाइज हाई फ्लेम पे अंदर से कच्चे रह सकते हैं। ऑयल को ओवर क्राउडेड ना करें, 4 या 5 बॉल्स ही डालें। आप जितना भी ब्राउन रखना चाहते हैं आप इसको उतना ब्राउन रखें। बाद में जब हम इसमें सॉसेज ऐड करते हैं तो भी इसका एक शेड डार्क हो जाता है। इस तरह से हमारे सॉफ्ट मंचूरियन बॉल्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। उसमें डालेंगे हम चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को ब्राउन होने तक सौते करेंगे। इसके बाद हमने चॉप किया हुआ अनियन डालना है, साथ ही मैंने डाली है कैप्सिकम। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों चीज़ों को सौते कर लें। पूरी तरह से कुक नहीं करना, थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। फिर मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, देगी मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल लें, ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने बनानी है कॉर्नफ्लोर की स्लरी, जो कि थिक सॉस बनाने के लिए हेल्प करेगी। उसी स्लरी में मैंने ऐड की है सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 स्पून चिल्ली सॉस। कलर के लिए मैंने फूड कलर ऐड किया है। अगर आप टमाटो सॉस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इस स्लरी को अब मैं ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। इसको थिक होने तक पकाएंगे। आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप वैसी रख लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी मंचूरियन बॉल्स। अगर आप इसको स्नैक्स में सर्व करना चाहते हैं तो आप थिक ग्रेवी रख लें, लेकिन अगर आपको इसको नूडल्स या राइस के साथ सर्व करना है तो आप ग्रेवी थोड़ी सी पतली रख सकते हैं। ये पूरी तरह से उस पर कोटिंग हो जाएगी। फिर मैंने डाला है धनिया। हमारा मंचूरियन बनकर रेडी है। अब आप इसको स्टार्टर्स में सर्व कीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बॉल्स बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।